मोदी जी, मैं फार्मासिस्ट हूँ। मैं मतलब ऐसे ही नहीं, इस फील्ड में हूँ। मैं ये कहता हूँ 2 किलो भैंस का और करीब 3-3.5 किलो गाय का कम से कम दूध बढ़ जाता है। और हाँ जी, राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो भाई आज आपके लिए भाई हमेशा ऐसी बातें रहती हैं कि भाई पशु को फीड क्या डालें, अनाज क्या डालें, राशन क्या डालें। तो आज आपकी सबकी भाई जो भी ख्वाहिश थी आज वो पूरी करने जा रहा हूँ भाई। तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार, और कैसे हो? ठीक हो? बहुत बढ़िया जी, बहुत। तो फिर आज किस उपलक्ष में अपना प्रोग्राम चल रहा है? आज जी भंडारा है, रूटीन में लगा दे वहाँ जी, गर्मी में सर्दी में जिसा दान धर्म हुआ उसका मालिक की कृपा से हो जाता है। बिल्कुल, ये तो ये उपलक्ष है, बाकी 2 मशीनें और लेनी है इसलिए ये। तो कितने साल हो गया आपने? मन्ने जी करीब 12 साल हो गए। 12 साल हो गए मार्केट के अंदर। हाँ जी। तो कितना ग्राहक अब तक जोड़ लिया आपने? मेरे पास जी करीब 1000 से ऊपर कस्टमर है। 1000 से ऊपर। और ये मान के चलो आप पूरा जीन जिला, जुलाना ब्लॉक और जी गुहाना, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, इलाहाबाद, मेरठ, बागपत, महसवाड़, खी, लुधाना, अच्छा अच्छा, सिरसा, खेड़ी, नंदगढ़, जुगाड़ी, बहुत गांव है जी, जमोला, करेला, उगाड़न, बहुत गांवों से कम भी 100 से ऊपर गांव से लोग यहां फीड लेने के लिए आते हैं। तो इसके अंदर रूटीन में क्या मिलाते रहते हो कि भाई? इसमें जी हमारा जो ये प्रोडक्ट है ये दालों पे आधारित है, क्योंकि दालों में विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये सब कुछ होता है, इसलिए हम मूंग, मसूर, मोठ, हरड़, उड़द, लोबिया, चना, मटर, सोयाबीन ये दालें विशेष रूप से इसके अंदर मिलाई जाती है। इसके अलावा अनाज है जैसे गेहूँ, मक्की, जौ, ज्वार, बाजरा, मेथी ये मिलाई जाती है। इसके अलावा जैसे पशु को जीरा, धनिया, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन, खनिज मिश्रण, सौंफ ये चीजें डाली जाती हैं। इसके अलावा कस्तूरी मेथी है और भी कई इंग्रेडिएंट्स हैं, सितावर है, आंवला है, ये काफी चीजें हैं, वो सब डाल के इस प्रोडक्ट को एक बार आप घूम के दिखाओगे ताकि पता लगे पब्लिक ने भाई किस रेट में कौन सा कट्टा है कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, एक बार दिखाओ स्टार्टिंग में जो ये कट्टा है अंकल जी, इसका क्या प्राइस रखे आपने? इसका 1850 रुपए है, ये गुड़ लगा हुआ है माल। अच्छा अच्छा, इसके इस माल के अंदर 28 आइटम है और इसमें गुड़ भी लगा हुआ है। मिक्सर यहीं पर करके दो? यहीं पे मिक्सर होता है, अंदर मशीनें भी हैं, बाहर भी है। अच्छा, मिक्सर का क्या प्राइस लो आप? अगर मान लो कोई पशुपालक ऐसा भी हो जिसके घर पे अनाज हो है, सारी चीज हो है, तो उस मिक्सर का क्या रेट लगे हो आपके? मतलब भाई ये जैसे वो अपना गेहूं, बाजरा, जो जो कुछ भी उसके पास उपलब्ध है वो लिहाज का है। उसके अंदर वो डालंटर, बिनोला, बिनोला इखड़, बिनोला सरसों, इखड़ सरसों ये इनके अंदर भी है, ये अलग से भी मिलवा के अपना भी बनवा सकता है, उसकी हमले भर ले लेते। अच्छा, और इसके बाद जो अपन इस पैकिंग में करवा रखा कट्टा अंकल जी, इस पैकिंग का क्या रेट में फर्क? ये 2050 रुपया बैग है। अच्छा अच्छा, इसके अंदर दालें ज्यादा हैं, दालें ज्यादा हैं, बगैर गुड़ का है ये, बगैर गुड़ का है। हाँ जी, ये भी 50 किलो। तो गर्मी का टाइम पर एक बार ये बताओ कि भाई पशुपालक तक देना क्या बेटर होगा कि भाई गर्मी का टाइम पर पशु ठंडा भी रहे और फायदेमंद भी रहे? इसकी जी मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं मतलब ऐसे ही नहीं इस फील्ड में हूँ, सॉरी, मैं फार्मासिस्ट हूँ और इस फील्ड में मेरे को हरेक तत्व की पता है भाई इसके अंदर क्या क्या है, और जो कोई कमी रह जाती है उसके अंदर हम खनिज मिश्रण वो पूरी कर देता है, कैल्शियम, विटामिन, जो भी कमी है, जो भी बात है वो सब पूरी हो जाती है। इस बैग के अंदर करीब करीब 30 आइटम है और ये दाल इसमें ज्यादा है, जैसे साबुत सोयाबीन है, साबुत चने हैं, इस तरह से ये बनाया जाता है। जो दूसरे प्रोडक्ट है मंदे वाले हैं, थोड़े कम रेट वाले हैं, उनमें जैसे सोयाबीन, मूंग, मसूर, मोठ, हरड़, उड़द, लोबिया, मटर, चना, जो भी है उनकी चूरी या खंडा इस्तेमाल किया। अच्छा अच्छा, तो इसके बाद एक पैकिंग और आपने कर रखी है अंकल जी, इस पैकिंग का बारे में और बताओ थोड़ा। हाँ, एक बार ये पैकिंग 45 किलो की है और ये 1200 रुपए का बैग है। अच्छा, 1200 रुपए का बैग है, 45 किलो। हाँ, इनके अभी हमने इतना समय हमारे को नहीं लग पाता कि हम अपना प्रिंट आउट कर सके, अब हम जल्द ही अपने प्रिंट से जैसे दुग्ध अमृत, 56 भोग, माखन मिश्री, इस तरह से सतरंगी चूरी, इस तरह से नाम लगा के अपना प्रोडक्ट अपने हिसाब से अपने नाम से लॉन्च करेंगे। अच्छा, तो कैसे मिक्सर का इस मशीन का क्या काम अंकल जो आप यहाँ पे रखो? ये मशीन है, जैसे ये मशीन ऑलमोस्ट हरेक जो आम आदमी होता है
उसके पास मशीन नहीं है, होती है, मगर वो अकेला मिक्सर होता है। अच्छा अच्छा। इसके अंदर एलिवेशन, पैचिंग, पॉलिशिंग सब कुछ होता है। एलिवेट, पैचिंग, पॉलिशिंग और मिक्सिंग, चार चीज होती है। और गुड़ लगाना है, सरसों का तेल लगाना है इसके अंदर ही। अच्छा, इसके अंदर मिक्सर गुड़। हाँ। इसके लोगे आप 2.5 रुपये या कितने रुपये? ना जी ना, दोनों के, दोनों पीछे वाली मशीन है जो इसको बनाएगी, उसके भी इसके अंदर ही। अच्छा, तो दोनों के 2.5 रुपये किलो के हिसाब से लोगे? 2.5 रुपये किलो या 250 रुपये क्विंटल। अच्छा, जो भी पशुपालक है अपनी फीड खुद लेके, मतलब जो जो अपना लेके आए। यार एक और बात है इसके अंदर, जैसे कोई ले आता है, किसी के पास कोई चीज है नहीं और वो एकदम आ जाता है कि भाई मेरे पास तो ये थी, घर पे भूल गया। हम उसको 3 दिन का समय देते हैं, 3 दिन के अंदर वो हमारी चीज जिस भाव हम लगाएंगे, क्योंकि हम किसी से 1 रुपया अलग से मुनाफा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे गेहूँ है 2150 रुपये बिक रहा है बाजार में, चाहे वो 2300, हम 2150 का ही जो गवर्नमेंट का रेट है, जो भी है वही रेट लगाते हैं। 3 दिन का उसको समय होता है, वो 3 दिन के अंदर हमारी चीज वापसी दे जाओ, हमारे से चाहे 19 भी दे जाओ, जो हम देते हैं। हम तो साफ सुफ करके हर चीज रेडी करके देते हैं, मगर चाहे थोड़ी 19 भी हो, उसको उसी चीज के उतने ही दाम मिल जाएंगे। अच्छा, उतने दाम। मान लो 200 किलो उसने डलवाई है, 190 लिया, 190 के 225 लिया, 225 के, वो तोल के थोड़ी लेता है, यहाँ तोल के उसको वापिस हो जाता है। दूसरी मशीन ये लगी हुई है, ये मशीन है, ये मशीन है जी, जैसे ये ग्राइंड करती है, ये पोलराइजर है, इसके अंदर चुंबक लगे हुए हैं, चुंबक, बड़े बड़े चुंबक हैं जो बिल्कुल बारीक से बारीक, बिल्कुल बारीक से बारीक लोहा को कैच कर लेते हैं। ये देखो ये लोहा, जो भी गलत, क्योंकि हर एक अनाज में कोई भी चीज है, खड़ बिनोला है, हर अनाज में ये लोहा पाया जाता है। अच्छा, ये लोहा यहाँ अलग हो जाता है, अलग बिल्कुल बारीक से बारीक अलग, पशु के अंदर मतलब कुछ गलत तत्व न जावे। हाँ, इसलिए ये सबसे बहुत अच्छी चीज लगी आपकी ये। हाँ जी, और ये इसके ऊपर है, इसके अंदर धूल मिट्टी जो कुछ है वो इसके अंदर आ जाता है। अच्छा अच्छा, धूल मिट्टी ने भी अलग निकाला। हाँ जी हाँ जी, और जो कंकर पत्थर है वो इसमें है, स्टोनर का काम करता है ये निकाल देता है। अच्छा अच्छा, तो अपना जो भी प्रोसेस है, आपने बताया कि भाई ये कट्टा इस रेट में है, ये कट्टा इस रेट में है। हाँ जी। तो आपने क्या लगा कि भाई आपको ऊपर विश्वास और ज्यादा जो लोगों का हो रहा है। हाँ जी। तो वो बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, किस हिसाब, मतलब आप काम करके दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत बड़ा सवाल पूछा, क्योंकि देखो मैं अपनी बढ़ाई अपने मुंह से करूं तो ये एक अतिशयोक्ति होगी। मैं ये कहता हूँ 2 किलो भैंस का और करीब 3-3.5 किलो गाय का कम से कम दूध बढ़ जाता है, और 10,000 रुपए आज जब इतनी पशु की इतने रेट है, तो 10,000 रुपए किलो के हिसाब से पशु की कीमत भी बढ़ती है। और जैसे हम कहते हैं कि भाई आप, क्योंकि खड़ के पशु आदि हो गए, तो खड़ 1 किलो डालो, बाकी 3 किलो हमारा चारा डालो। मान लो ज्यादा से ज्यादा रेट वाला हमारा ये 2050 वाला कट्टा है, 3 किलो के 120 हो लगभग, 120 रुपए का वो डालोगे, 2 किलो अगर दूध बढ़ जाता है तो 120 का 60 रुपए मिनिमम रेट है दूध का। हमारा चारा, चारा तो जमींदार ने फिर भी डालना है, वो अलग से डालेगा, उसका मान लो 10 दे रहा है तो 10 ही देगा, हमारा डालने के बाद 12 देता है, तो उसको चारे के पैसे फ्री हो जाते हैं, क्योंकि 120 रुपए का वो बढ़ गया, 3 किलो वो बढ़ गया, 3 किलो उसका चारा बच गया। तो एक चीज और बताओ अंकल जी, कि जैसे कि दूसरी स्टेट में, हाँ जी, हरियाणा जैसा प्रोडक्ट कहीं नहीं तैयार होता होगा मेरे हिसाब से, देखो आपने ज्यादा नॉलेज होगी। सही बात है, दूसरी स्टेट के अंदर बहुत ज्यादा अपना जो फीड का काम है, राशन है, अनाज है, वो दूसरे स्टेट में जाता है, यहाँ पे तैयार हुआ। हाँ। तो उनके लिए कुछ ऐसी भाई गाइडलाइन या कुछ ऐसा कुछ चीज रखना चाहते हो जिससे उनका फायदा हो, क्योंकि एक तो किराया जी सबसे मेन बात है जी, तो उनके लिए कीमत यही रहेगी या कुछ थोड़ी चेंज करोगे? देखो जी, ऐसा है, कीमत हमारा ये फैक्ट्री आउटलेट है, कोई भी बंदा यहाँ से जिस रेट में 1 किलो लो या 100 बैग लो, सभी को रेट समान है। हम इस बारे में माफी चाहते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल ही कम रेट पे, कम मार्जिन पे ही काम कर रहे हैं। ये बैग 3-3 हजार रुपए के पंजाब में देते हैं, और यूरिया तक मिलाते हैं बहुत से लोग हरियाणा में भी, जो के पशु को मारने वाला काम है। बिल्कुल, हमारा सारा टोटल खुला है, ओपन में माल बनता है, ओपन में काम होता है, कोई भी आओ, किसी टाइम भी बनवाओ, किसी ने 10 बैग बनवाने हैं तो अपने हमारे चाहे एक बार में मान लो 30 बैग बनते हैं, 10 बैग बनवा लो, 20 हमारे तो बिकने हैं, बिकते रहोगे। जो जो चीज हमने लिखी है वो 1 to Z चीज अपने पास अपने सामने डालो।
कठा काम अपना निजवाना। तो फीड का जितना भी अपना राशन का काम है यहीं तक जाओ है। अच्छा, तो कितना किसा रिजल्ट मिला अपन इस फीड का? अच्छा, कितना दूध की क्षमता बढ़ा है? दूध तो जमा बकरी तो वधेगी। तो राशन बढ़िया लगा अपना का। कितने साल हो गए लेते हुए? दो साल हो गए। अच्छा, लगातार यहीं तक लेने लग रहे हो। तो भाई साथ के साथ आप हमारे कस्टमर को जानकारी देवांगे। तो नमस्कार भाई साहब। तो आपने कहा था, एक बार डिटेल बता दो आपकी, कौन सा गांव अपना? गांव पडाणा से है जी। अच्छा, पडाणा से। हाँ जी। अच्छा, तो कितने साल हो गए अपन फीड लेते हुए यहाँ पे? भाई 2-3 साल हो गए। अच्छा, 2-3 साल हो गए। कैसा रिजल्ट है? बहुत बढ़िया रिजल्ट है भाई, पैसा के दूध बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, फैट भी बढ़े? कुछ फैट भी बढ़े हैं, दूध भी बढ़े और पशु ग्रोथ भी करे भाई। अच्छा, ग्रोथ भी करे। तो एक बार ये बताओगे कि आप कितना डालो एक टाइम पे एक भैंसा गए, ताकि जानकारी अच्छी है। हमने तो लेबर लगा रखी है, वो डाला है। अच्छा, वो डाला है। मम्मी को पता है इस बारे में तो, लेकिन हमने ये पता है पशु ग्रोथ करे और बढ़िया दूध है। अच्छा, ग्रोथ अच्छी करे है। अच्छा, तो नमस्कार भाई साहब, आप कहाँ थे भाई? अच्छा, आप गढ़वाली थे हो अपना जो जींद रोड पे या रोहतक रोड पे यहाँ तक गाँव जाओ? अच्छा, तो आप भी पीढ़ी है इतने? अच्छा अच्छा, बढ़िया चूरी है, 2-3 किलो तक दूध बच गया है। अच्छा, ग्रोथ किसी हो पशु की? ग्रोथ बढ़िया होगा, गिरण लगा है, तीसरा टाइम तो 9-12 पटन लग जाएगा दूध में, बढ़ोतरी। अच्छा, बढ़ोतरी है। हाँ, सारी चीज को आगे देख ली, सबसे राजी होगा तो पशु का है और बढ़िया दूध। अच्छा, रेट किसे लागे की भाई? जायज है, पूरी मंडी तो जायज रेट। अच्छा, पूरी मंडी राशन तैयार करा है, कोई चीज की कोई मिलावट नहीं है, पशु खाओ भी बढ़िया है, क्या बन रड़न में भी, पशु का ग्रोथ में भी, कटड़े बछड़े हो जो छोटे पशु हो उनका भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो आप कहाँ थे भाई साहब? अच्छा, कोई नहीं, नमस्कार ताऊ जी। तो आप कौन सा गांव था रहता हूँ? मुरखी थे। अच्छा, मुरखी थे, किसी पड़े है मुरखी? ये पड़े है लुधाने तकला। अच्छा, लुधाने तकला, जींद डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, आपने कई साल हो गए यहाँ? 2-3 साल हो गए। 3 साल हो गए, किसा का विश्वास लग गया? बहुत बढ़िया था। कैसा भी बद है? अच्छा, और डंगर नरोगर है। अच्छा, एक ये जो प्रेग्नेंट होने की समस्या पशु आगे का नहीं होता, तो उसमें परेशानी दूर हुई है कि नहीं हुई? दूर हुई। अच्छा, हाँ। तो एक मिनरल मिक्सर का ये काम कराया फिर? हाँ, बहुत बढ़िया, हम तो स्पेशल आए थे। अच्छा, स्पेशल इतनी दूर तक यही भाव लेने, आप भी नहीं है साथ होंगे? हाँ, नमस्कार सरदार जी। नमस्कार। अच्छा, अपन कितने कहाँ से, एक बार ये बता दूं? गांव मालवी से। गांव मालवी से। हाँ। अच्छा, अपन कितना टाइम हो गया? 1.5 साल हो गया। अच्छा, 1.5 साल हो गया। किसा विश्वास आपने लगाया और कैसा फील? एकदम बढ़िया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कसरे कौन? अच्छा, तो आज पूरा मतलब ग्राहक सारे इकट्ठे हो रहे हैं शेठ जी अंदर? अच्छा, किसा ग्रोथ रहे पशु की? बहुत बढ़िया। अच्छा, और जो बढ़िया दूध दे, बढ़िया रिजल्ट है कहती। अच्छा, रेट में किसा फर्क लग गया? रेट में और जगह सस्ता पड़ा है, सस्ता पड़ा है। और बजार में अगर मान लो और कहीं लेने जाओ, जींद के अंदर लेने जाओ, वहाँ के रेट तो यहाँ के रेट के फर्क है? अच्छा, राम भाई साहब। अच्छा, तो आपका कौन सा गांव था? अच्छा, बोड़गाम अपना। तो कै साल हो गया अपन आड़े? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए के बस सेठ जी, सारे ग्राहक देखे 2-3 साल के भीतर भीतर है सारे? अच्छा, विशेष रूप से ज्यादा स्टार्ट करे। अच्छा, तो कैसा क्या रिजल्ट रहा आपने? 2-3 किलो दूध बढ़ जाए। अच्छा, बढ़ जाए। महीने में 20-22 क्विंटल माल बनवा ले जा रहे हैं। अच्छा, आज तो कोई माल में किसी प्रकार की कमी नहीं है। और फिर एक सबसे मेन बात हो रेट की। हाँ। रेट की सलाह? रेट भी जायज, माल भी बढ़िया और बहुत अच्छा, गुड़ गिरा है उसका मीठा होगा। वो सा मीठा होगा है। तो गुड़ तो सेठ जी भी गिर ले गिर के देते हैं। थोड़ा हम गिर जाए, थोड़ा सेठ गिर दे, थोड़ा भाव हो जाए फिर अब ठीक है। तो नमस्कार अंकल जी, अपना कौन सा गाँव? गतौली। अच्छा, गतौली। तो लगभग सेठ जी सारे छापा मारा क्या आपने भी? कितने कसर नहीं छोड़ी है? तो आपने किसा के रिजल्ट रहा? ठीक रहे, ठीक रहे। हाँ। कितने साल हो गए आपने भी? 2-3 साल हो गए। 2-3 साल आपने हो गए? 2-3 साल तो ज्यादा मतलब लाइन पर काम हो रहे हैं। इतने खड़े पे दौड़े मांगे हो तो नहीं तो ये शुरू। अच्छा अच्छा, अब दोबारा 2-1 साल से दोबारा शुरू कर दिया आपने? तो ग्राहक भी फुल रनिंग में है साथ के साथ। तो अपना ग्रोथ किसी की रही पशु? ग्रोथ ठीक से बच जा, 3-4 किलो दूध, 1.5 किलो तो 1.5 किलो की हो जाए। अच्छा, तो एक बार ये बताओ, देखो आप थोड़े इन ठीक लगे उम्र दराज में, आपने ज्ञान भी होगा कि एक टाइम पर पशु आगे कितना आहार डाले ताकि वो बढ़े? 2-2.5 किलो तो चाहिए। 2-2.5 किलो चाहिए एक टाइम पर, तो उस तक ग्रोथ अच्छी रहेगी पशु? अच्छा, आगे गाँव में बहुत परेशानी आओ पशु ना, इसमें कौन अंधी मसाले पड़े? अच्छा, इसमें ठीक अपने प्रेगनेंट हो जाए आगे की?
तो नमस्कार भाई साहब, अपना कौन सा गांव? अच्छा, अपना ही गतोली है, साथ में है इनका? हां जी, मैं ये मुंह तो साथ में ले जा। अच्छा अच्छा, तो आप कितना माल ले? मैं पुराना गाक हूं जी, मतलब 10 साल हो जी। 10 साल हो गए? हां, ये भी ये बात बनी ना कि मैं ना तो, है जी, मैं तो 10 साल हो जी कम से कम। अच्छा, तो अपना किसा का रिजल्ट रहा? 10 साल हो गए लगातार, 10 साल कोई थोड़ी चीज नहीं। बढ़िया रिजल्ट, बढ़िया रिजल्ट रहा। पहले तो जी 10 कट्टियां पे कट्टा फ्री भी दिया करता, वो बंद कर दिया। वो बंद कर दिया, दोबारा दुआना था वहां जी। चलो कोई नहीं। आप कौन सा गाँव? करसोला। तो आपने कैसा लोग फीड लेते हैं? 5-6 साल हो गए। तो किस अगर रिजल्ट लगे आपने? अच्छा, ये तो सेठ जी भी कौन सच्ची बता दी ना? सच्ची क्यों की मैं पैदा हुआ सेठ जी नहीं ले रहे वो कटास के लिए तो कर दिए। रेट किसे लागे? रेट भी जायज है, जायज लगे रेट। अच्छा, पूरी मार्केट में जीन तो इधर उधर ताम हजार के मुताबिक ठीक। अच्छा, तो चलो देखो, प्रेग्नेंट होने को पर सबसे मेन समस्या हुआ आपको, पर समस्या दूर होगी कि नहीं? हाँ, समस्या दूर होगी। खाने पीने की भी पाचन शक्ति भी बदा है, जो चाट चूट छोड़ जा रहे हैं इसमें कई 22-23 चीज बताऊं है। अच्छा अच्छा, कई चीज डाले अजमा बना पशु अपना जो भाई, क्योंकि खुद भी स्पीड ने ले वहाँ तो पता लगा कि भाई कैसा राशन है। 20-25 भैंसों के लिए हमेशा अपने फार्म पे भी जाता रहे। तो इसी के साथ भाई, आज की जानकारी कैसी लगी और कैसी ना लगी? तो अंकल जी नंबर में साथ के साथ डिटेल में जाता रहूँगा, चलाता रहूँगा, आप संपर्क कर लियो इनते, जो भी जानकारी हो, पशु को क्या डाइट में दे क्या ना दे, तो सारी जानकारी अंकल जी ले लियो। तो इसी के साथ